गाइस, उम्मीद है आप ठीक होंगे। हम भी ठीक है जी। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी और गंदम के आटे से पास्ता और नूडल्स जी। एक कप मैंने सूजी ले ली है और 2 कप मैंने आटा लेना है, वो भी गंदम का। आप चाहें तो इसकी जगह आप मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आप चाहें। अब मैं इसे पूरे 2 कप भर के लूँगी, ठीक है। ये देख रहे हैं जैसे कि आप, मैं फुल भर रही हूँ जी। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और उमर व्लॉग को ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। इसके साथ ही मैंने भी स्टेन कर लेना है तमाम चीज़ों को। हमने सूजी को भी स्टेन कर लेना है, जितनी भी इसमें सुसरी होगी, कोई भी कीड़े वगैरह होंगे वो सारे स्टेन हो जाएंगे। और आटे को भी इसी तरह हमने छान लेना है। छान के हमने हर चीज़ इस्तेमाल करनी है जी। ये देखें, आटा भी हमने स्टेन कर लेना है। जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजिए, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, और मेरे चैनल को शेयर भी कीजिएगा, ताकि हम दोबारा इसी तरह मिलते रहे और अच्छी अच्छी रेसिपी आपके लिए लेके आते रहें जी। ये देखें, ये आटा भी मैंने, जो बाकी रह गया था वो भी मैंने स्टेन कर लेना है जी। ये देखें, ये भी हमने फटाफट से स्टेन कर लिया है। और आप देख रहे हैं, ये सब चीज़ों का मिक्सचर कर लेना है और इसमें नमक हमने थोड़ा सा डाल देना है, ताकि हमारा जो टेस्ट है ना वो बरकरार रहे। बाकी मसाले हम सब्जियों में डालेंगे और इसको अच्छे से हमने बांध कर लेना। आपने नहीं जो गर्म पानी या ठंडा पानी नहीं इस्तेमाल, जो टूटी में पानी है उसी से हम गूँधेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि ये पतला ना हो जाए। इसे थोड़ा सा नरम गूँधेंगे, ऐसे जैसे आटा, क्योंकि इसमें सूजी शामिल है तो वो बाद में फूल के सख्त हो जाएगा, ठीक है। इसे आपने ध्यान से गूंदना है और अच्छे से बाइंड कर लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी लेना है, इतना ज़्यादा पानी नहीं लेना है, जैसे कि आटा गूंदते हैं वैसे ही इसका प्रोसीजर है, लेकिन मल मल के और अच्छे तरीके से इसको गूंदना है। फिर आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये अच्छा ठहरेगा। इसका रिज़ल्ट आप बाद में देखेंगे, जब मैं आपको नूडल्स बना के दिखाऊंगी, ठीक है। ये देखें, प्रोसीजर देखते रहें, जैसे कि आटा गूंदते हैं वैसे बिल्कुल प्रोसीजर इसका करना है। कोई मलना शलना नहीं है, कुछ नहीं करना ज़्यादा से, बस सॉफ्ट सा डो हमने गूंद लेना है। ये आप देखें, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, वो जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरी तमाम आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए जी। ये देखें, मैंने इकट्ठा कर लिया है बाकी तमाम को। ये देखें, साथ साथ मैं इकट्ठा करती जा रही हूँ और थोड़ा थोड़ा सा पानी लगाए जा रही हूँ, ये देखें, ताकि ये थोड़ा ना सख्त हो रहा था तो हम इसको हल्का हल्का सा पानी लगा के इसको इकट्ठा करेंगे, यकजान कर लेंगे, अच्छे से बाइंड कर लेंगे। साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और बग़ैर स्किप किए देखिए, ताकि आपको सब समझ में आता रहे, ठीक है। आप लोग किन किन शहरों से देख रही हैं, कहाँ कहाँ से देख रही हैं, लाजमी से शेयर कीजिएगा और हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखें, जैसे आटा गूंदते हैं वैसे ही वही वाला प्रोसीजर है। आप हाथों को मल मल के कीजिए या आटे की तरह गूंदिए, ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है, ठीक है जी। अच्छे से दबा दबा के गूंदिए। और ये देखिए, थोड़ा सा मैंने पानी लगाया है ताकि हार्ड बहुत हो रहा था वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। इसे हमने अच्छे से मसल के करना है ताकि हल्का सा नरम हो जाए। देखिए, नरम हो गया। देख लीजिए इसकी कंसिस्टेंसी, देख लीजिए कंडीशन, देख लीजिए कि कैसी है। थोड़ा सा और कर लें और फिर हम ये हो जाएगा रेडी जी। इसको ढांप के रख लीजिए 10 मिनट के लिए और फिर हम इसको नेक्स्ट प्रोसीजर इसका करते हैं, आपको वो भी दिखाएंगे। थोड़ा सा बस करना है, ओनली 2 मिनट्स। इसको मैंने अब बाइंड कर देना है और इसको कवर करके रख देना है, ठीक है। आप देख लीजिए, देखिए ना हार्ड है और ना ही सॉफ्ट है, इसकी ये कंडीशन है। इसको ढक के रख दीजिए 10 मिनट्स के लिए।
जी अब ये रेडी हो गया है और मैंने इसको रोल बना के इसका रख लिया है। और ये मैं ऑयल लगा रही हूँ जाली को, जिससे हम सेवइयां बनाते हैं ना, बिल्कुल वही वाली मशीन के साथ। अगर आपके पास है तो ठीक है, वरना आप ऐसे भी कर सकते हैं, रोल कर कर के भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इसको मैंने ग्रीस कर लिया है ब्रश के साथ, और इसमें हमने अब अपनी नट लगानी है, पास्ते वाली नट। ठीक है, वो हाफ ऑफ कर लेंगे। जी जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनके में जाके सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ये देखिए इसको बंद कर लें। ये जो मशीन है ना, आपको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं, और ये बड़े बड़े मॉल्स में भी मिल जाती है, अवेल होती है, आप जाके ये कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसको हाफ कर लेंगे, ये देखिए हाफ कर लें, और इसको रोल कर लेंगे हम अच्छे से और मशीन में फिट कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा नीचे दबाएं, हो गया। और अब ये मशीन को हम करेंगे बंद। ठीक है, ऊपर से लेके आए हल्का हल्का सा करके, घुमा घुमा के, देखिए जी नीचे आ गया। बस इसको बंद कर लेना है और कुछ भी नहीं करना। अब आगे का प्रोसीजर हम आपको जाके दिखाएंगे जी। फटाफट रेडी हो जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए जी। थोड़ी सी रोशनी ये कम हो गई है जी, लाइट चली गई है, कोई मसला नहीं है। आप देखिए ये पानी उबल रहा था, तो इसको हमने करना है पुश करना है जी। अब करें आप भी कीजिएगा ऐसे ही, सेम टू सेम करते जाएं। ज़रा सा हैवी लग रहा है, लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, देखेंगे। ये देखें निकलना शुरू हो गया है, आप देखें आटे से हमने किस तरह से पास्ता बना लिया है घर में, और रेडी हो जाएगा। आप देखेंगे कि किस तरह से मज़े से हम बनाएंगे जी। आप भी मज़े ले लेके खाइएगा, ज़रूर बनाइएगा इस रेसिपी के अकॉर्डिंग। और अगर आप इस तरह नहीं बनाते, किस तरह बनाते हैं ये भी हमें बताइएगा, ज़रूर से शेयर कीजिएगा अपने टिप्स जी। ये देखें किस तरह से थोड़ा सा हम इसको अपने हाथ की मदद से या छुरी की मदद से काट के आप पानी में डाल दीजिए जी। ये नीचे जा रहे हैं, लंबे लंबे करने हैं तो लंबे लंबे कर लें, छोटे करने हैं तो थोड़ा सा दरमियान में काट लें, कोई मसला नहीं है। ये देखें जी, मैंने इसे काट के इस पर डाल दिया है जी। अब आपने क्या करना है जी, बस करते जाना है इस तरह, और उबाइल करना है, करते जाएं, बस थोड़ा सा ही रह गया है। और पके मवाद का हम फिर उसके नूडल्स बनाएंगे। ये देखिए साथ साथ हल्का हल्का हलाना है, ज़्यादा नहीं हलाना। देखें ये जी बस काफ़ी थोड़ा सा ना घुमाते हुए निकल आया जी, बस थोड़ा सा ही रह गया है। और इसी दौरान जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाके सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से मज़े की रेसिपीज देखिएगा। ये देखिएगा आटे से और सूजी से हमारा कितना मज़े का पास्ता और नूडल्स जी बनते हैं। ये देखिए ये हमने काट के जी इसमें ढक दिया है, और हल्का सा हमने टच किया, हलाना है और फिर जी इसको स्टे करना है। अब ये उबाइल करेंगे, कोई आपको इसमें ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, अगर चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं चाहें तो ना डालिएगा, आपकी अपनी मर्ज़ी है। और बाकी जो रहता है वो भी हमने निकाल लेना है जी। इतना पास्ता अगर आप बाज़ार में जाकर लेंगे ना, तो तकरीबन 150 या 120 से कम तो मिलेगा ही नहीं। तो घर में क्या है, आटे से जी, कभी हम रोटी खाना बच्चे पसंद भी नहीं करते, तो हम क्या करते हैं, बाज़ार से चीज़ें मंगवा के देते हैं जी। बाज़ार की अनहाइजन चीज़ों के बगैर आप बच्चों को ये बना के दें,
और आप यकीन माने आप ही कहेंगे कोई चीज़ बनी है जी। ये देख लें अभी उबाइल होगा, हमने इसको जैसे हम बाज़ार के नूडल्स को या पास्ता को टाइम लगता है 10 मिनट्स, इसको भी ओनली 10 मिनट्स लगेंगे जी। ये उबाइल होना शुरू हो गया है और मेरे कैमरे के आगे थोड़ा सा धुआं धुआं आ रहा है जी। अब हम नेक्स्ट जो हमारा है नूडल्स, मेरे पास मुझे मोटी पड़ी हुई थी, पता नहीं मेरी बारीक वाली जाली कहाँ चली गई है, लेकिन मैंने सिर्फ आपको दिखाना है। आप बारीक वाली में भी बना सकते हैं, उसमें बारीक बनेंगे नूडल्स, तो ये थोड़े से मोटे बनेंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ और सिर्फ तरीका बता रही हूँ ठीक है। आप ये देखिएगा सिर्फ तरीका है, मोटे हैं या पतले हैं या कोई भी शेप है, तो एक ही प्रोसीजर होता है जी। आप अपने प्रोसीजर सिर्फ सेम रखना है, शेप जोन से मर्जी हो ठीक है ये जी। वैसे ही हमने करना है, पहले हम इसको बंद करेंगे। ये लीजिए जी, ये थोड़ा सा लगा हुआ, मैंने कहा ये भी अंदर ही चल जाएगा, बाद में साफ कर लेंगे जी। ये देखें थोड़ा सा, ये देखें बच्चे आज बहुत तंग कर रहे हैं, अभी संडे था तो जी इनको खाना है पास्ता और नूडल्स। हम घर में बनाएंगे, हम अपने 300 रुपये ज़ाया नहीं करेंगे और जल्दी से बना डालेंगे घर के इंग्रेडिएंट से ही पास्ता और नूडल्स। आप भी बनाइए, अपने बच्चों को खिलाइए और खूब इंजॉय कीजिएगा जी। और देखते देखते लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये देखिए जी, मैंने आपको बताया ना मोटी है ये वाली, तो ये देखिए पानी जी, ये पास्ता जी बनने वाला, रेडी होने वाला है। 10 मिनट्स हो गए हैं इसको, अब हमने क्या करना है जी, इसको हमने स्टेन करना है। चलते हैं अपने सिंक की तरफ, ये देखो सिंक की तरफ हम आ गए हैं, अब इसको स्टेन कर रहे हैं जी। जी ये देखें काफ़ी धुआं हो रहा है, उठाने में भी दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं है, आपने घबराने नहीं है, साथ में रहना है। और हमारे व्लॉग को जी आपने सब्सक्राइब करना है ठंडे पानी के साथ, जैसे हम नूडल्स को पास्ता को ठंडे पानी से गुजारते हैं जी, वैसे करना है और कुछ भी नहीं करना जी। ताकि ये देखें इसकी शक्ल देख लीजिए, ये पक्के कैसे रेडी हो गए हैं। तो अगर आप बनाना चाहते हैं तो लाजमी ये इंग्रेडिएंट देख लीजिए, सब्जियां वही हैं। ये देखिए अब काली मिर्च है, नमक है और ये जी चिकन का पाउडर है और थोड़ा सा हमारे पास पड़ा हुआ था केचप और ये नूडल्स का थोड़ा सा मसाला था, वही मैंने लिया है। और ये ले लिया है जी मैंने कढ़ाई, इसमें ऑयल डाल दिया, इसमें हम तमाम अपने इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे और हल्का हल्का फ्राई करेंगे जी। जल्दी से हम फ्राई कर लेते हैं जी, इसको फ्राई करेंगे। उतनी देर में हमने बाकी नूडल्स भी रेडी करने हैं, पहले थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं फिर नूडल्स हम अपने निकालेंगे। अभी मेरा पानी उबल रहा है इसीलिए मैंने कहा ये वाला हम उतनी देर में कर लेते हैं, फिर पानी उबलेगा फिर अभी उसको करेंगे ठीक है। तो उतनी में हम इसको सॉटी कर लेते हैं, इतने गलाने नहीं है इसको, इसको गलाना नहीं है आपने ठीक है, सिर्फ हमने हल्का सा इसको सॉटी करना है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा लगता है ना। अच्छा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी नमक मिर्च का हिसाब रख सकते हैं, तो मैंने तो अपने बच्चों के अकॉर्डिंग किया है थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन बहुत मज़े का बनता है भाई। आप लाजमी से इसको बना के देखिएगा ठीक है। ये सारे ही मैंने डाल दिए और चिकन का जो पाउडर है ना उससे टेस्ट तो इतना इन्हेंस होता है ना, मैंने पहले भी बनाए थे, यकीन माने बच्चे ऐसे चटखारे लेके खाते हैं। तो आप भी बनाइएगा, ये देखो सोया सॉस और मैंने सिरका ना इस्तेमाल किया है थोड़ा थोड़ा, जितना भी आपने 2 से 3 चम्मच डाल देने बस इसके, और जो सोया सॉस है ना वो भी अपने 2 से 3 चम्मच तो लाजमी से डालने हैं ना, इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है। अब बाद में देखिएगा कितना अच्छा कलर आएगा ये जब हम अपना पास्ता और इसमें वो डालेंगे ना नूडल्स, फिर तो बस ना आप कहेंगे इससे
इससे अच्छा तो कोई चीज़ है ही नहीं। ये तो इतनी यूज़फुल है जी, ये इतनी मुफ्त वाली चीज़ है ना, कि घर में हम घर के आटे से ही बना रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये लीजिए जी, ये इसमें केचप भी डाल दिया हमने और बड़ा मज़े का बनेगा जी। केचप से ऐसा लगेगा कि हमने कोई सॉस बना के इसमें डाला है जी। आप चाहें तो चिली सॉस भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रही, ठीक है, वो थोड़ा सा ज़्यादा ही खट्टा हो जाएगा, बच्चे नहीं खाएंगे भी। आप डाल सकते हैं आपको अच्छा लगे तो, ठीक है। इसको मिक्स कर लेते हैं और इसमें हम अपने पास्ता को पहले डाल देंगे, पानी उबलने वाला है, फिर हम अपने नूडल्स भी रेडी करते हैं, ठीक है जी। ये देखिए, इसको थोड़ा हल्का हल्का हला लीजिए। मेरी जो बेटी है ना आयजा, उसने मेरे पास्ता का जी, ये देखें, उसने ना ये ऐसे किया कि थोड़ा सा पास्ता का ना चम्मच फेर दिया था, लेकिन मैं भी भाई बड़ी कफायशार हूँ, मैं इसको ज़ाया नहीं करने वाली, पकवा के रखूँगी मैं इसको, ठीक है ना। ये देखें, फिर नूडल्स भी रेडी करूँगी मैं, और ये देखें जी, निकलने वाले हमारे नूडल्स, ये मोटे निकल रहे हैं। अगर आपके पास बारीक जाली है तो आप वो इस्तेमाल कीजिए, मेरी जाली ना पता नहीं बारीक किसने इधर उधर फेंक दी है यार, ये बच्चे ना कब सुधरेंगे मुझे नहीं पता, अल्लाह इनको सुधारे। चलें जी, ये नूडल्स हमारे रेडी हो रहे हैं, और आपने जी जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और अपने अजीज़ों कारे में शेयर भी करना है, भूलिएगा मत, क्योंकि आप ना भूल जाते हैं, बार बार याद कराना पड़ता है जी। हमें आप प्यार दीजिएगा, अपने हमारे चैनल्स को लाइक कीजिएगा, ताकि हम अपनी तमाम आने वाली वीडियोस में आपको भी याद रखें जी। ये हमारे नूडल्स रेडी हो गए हैं जी, ये देखें, इसमें हम डालेंगे, बड़े मज़े के बनेंगे। ये डल गए, ये थोड़े थोड़े मोटे हैं, लेकिन आप बारीक वाले बनाएं वो पतले भी बनेंगे, ठीक है। ये देखें जी, के लग रहे हैं ना नूडल्स हैं ये भाई, घर वाले जी मुफ्त वाली है ये जी, तो मुफ्त में तो कोई चीज़ हो ना तो हमें तो ज़्यादा ही मज़े की लगती है भाई। ये देखें जी, अब हमने थोड़ी देर के लिए पकाया है इसको, क्योंकि मेरा पहले ही बना चुके थे हम, तो अब हम इसमें प्लेट में डाल के आपको चख के भी बताएंगे जी। आपने हमें सब्सक्राइब करना है, मेरे चैनल को लाइक करना है, और जल्दी से जाके शेयर भी करना है जी। ये देखें, भाप उड़ रही है और गर्मा गर्म है, हम चख के आपको बताते हैं किस तरह से ये बने हैं जी, टेस्ट करेंगे। मुंह में पानी आ रहा है, बच्चे कह रहे हैं भाई दे दे हमें, हम इसको चटक चट कर जाएँ, लेकिन हमने कहा भाई हम अपने तमाम जो व्यूज़ हैं उसको दिखाएं भाई कैसे बने हैं। तो ये देखिए जी, टेस्ट करके बताएंगे, गर्म बहुत है। आप भी बनाइएगा, लाजमी से बनाइएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को जी। वाह जी वाह जी वाह जी वाह जी, इसलिए ये तो भाई बड़े बड़े मज़े के बने हैं भाई। आप भी बनाइए, ऐसे ही बनाइए और लाइक कीजिए जी। देखिए, मुफ्त के नूडल्स, घर वाले नूडल्स जी। आप भी क्या याद करेंगे, कैसी रेसिपी आपको दी है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे।